आखिर क्यों हर किसी के मुंह से आईक्यू आईक्यू नाम सुनने में आ रहा है? आखिर इसके अंदर ऐसा कौन सा प्रोसेसर यूज किया है जो काफी अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस देखने को मिलते हैं? आखिर में इसका प्राइस क्या होने वाला है? हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करिए। मैं उमाकांत, आप देख रहे हैं टेक टारगेट। देखने को मिलता है, उसके बाद हमें कुछ पुस्तकें देखने को मिल जाए, फिर बाद में सिम इंजेक्टर, फिर बाद में ट्रांसपेरेंट बैक कवर, फिर बाद में 120 वाट्स का चार्जर विद डाटा ट्रांसफर केबल। अगर फ्रंट सेट की बात करें तो हमें डिस्प्ले 6.7 इंचेस का फुल HD प्लस E5 AMOLED डिस्प्ले देखने को मिलता है, तो साइड से बेजल्स हमें काफी कम देखने को मिलता है। इसके अंदर हमें 1500 यूनिट पीक ब्राइटनेस भी देखने को मिलता है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी, 360 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी, और टॉप में बात करें तो 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो इसके अंदर हमें ड्यूल चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो काफी तगड़े पावरफुल प्रोसेसर है। पहला V1 प्लस प्रोसेसर और Qualcomm Snapdragon 8 प्लस जनरेशन 1 का प्रोसेसर। Antutu स्कोर की बात करें तो इसके अंदर हमें 1,68,000 के आसपास हमें Antutu स्कोर देखने को मिलता है, जो काफी ज्यादा है। 60 FPS, 90 FPS पे भी हम गेमिंग खेल सकते हैं, जो काफी ज्यादा स्मूथ होने वाला है। LPDDR5 RAM सपोर्टेड है, UFS 3.1 स्टोरेज सपोर्टेड है, और इसके अंदर अल्ट्रा गेमिंग मोड भी ऑप्शन भी देखने को मिलता है, जो काफी कॉमन है। तो इसके अंदर हमें 50 मेगापिक्सल का कैमरा दिया है और 13 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा, 12 मेगापिक्सल का ऑप्टिकल जूमिंग। तो मैं कुछ कैमरा शॉट्स बताता हूँ डे मोड एंड नाइट मोड और बढ़ते हैं। इसके अंदर हमें बैटरी 4700 mAh की बैटरी दिया है, जो काफी नॉर्मल सी है, लेकिन इसके अंदर हमें 120 वाट्स का सुपर फास्ट चार्जर दिया है, जो है हमें आसपास 15 मिनट से 20 मिनट के आसपास फुल चार्ज कर देगा। अब वेरिएंट की बात करें तो हमें 2 वेरिएंट्स में लॉन्च होने वाली है, 8GB रैम, 128GB का स्टोरेज, और 12GB रैम, 256GB का स्टोरेज। अब बात करें इसके लॉन्चिंग डेट की, 2 अगस्त को लॉन्च होने वाले है, आप कहां से भी खरीद सकते हो। और बात करें प्राइस की तो इसकी हमें 50K से 60K के आसपास होने वाली है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसी टेक वीडियोस लाते रहेंगे।